लुटेरों ने चलती ट्रेन से छात्रा को नीचे फेंका, गंभीर रूप से घायल। मोबाइल स्नैश गैंग के लुटेरों ने चलती ट्रेन की खिड़की से छात्रा की मोबाइल छीनने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो लुटेरों ने छात्रा को चलती ट्रेन से नीचे खींच लिया। ट्रेन की इमरजेंसी विंडो के पास बैठी थी छात्रा। हाजीपुर से पटना परीक्षा देने इंटरसिटी ट्रेन से जा रहे थे शिवहर की छात्रा। दुस्साहस वाली इस वारदात की पड़ताल में जुटी आरपीएफ और जीआरपी पुलिस। घायल छात्रा अस्पताल में इलाजरत। ट्रेन की खिड़की पर बैठे यात्रियों का वीडियो, हाजीपुर स्टेशन और रेलवे पुलिस का वीडियो। भाई छात्रा से पूछताछ करती जीआरपी और आरपीएफ पुलिस। नीचे से चलती गाड़ी तो हम अपना तरफ खींचे तो वो दोनों ने हमको अपने तरफ खींच लिए, फिर हम गिर गए। मेरे सामने चेक किया। घटना क्या हुई है सर, चलती ट्रेन में जो बता रही है लड़की, क्या घटना? ये लड़की का नाम पिंकी कुमारी है, इसका घर शिवहर है। ये वहाँ से पटना के लिए चली थी, मुजफ्फरपुर तक बस से आई है। बता रहे मुजफ्फरपुर में ये इंटरसिटी ट्रेन में चढ़ी है, जयनगर पाटलिपुत्र इंटरसिटी में, और यहाँ हाजीपुर तक पहुँची है। हाजीपुर से ट्रेन खुलने के बाद ये बता रही है कि इमरजेंसी खिड़की के पास ये खड़ी थी, जहाँ पर बाहर से दो लड़के इनके हाथ से मोबाइल खींचने का प्रयास किए, जिसके दौरान ये उसी खिड़की से नीचे गिर गई और उसके बाद इसके कुछ चैन और ये जेवर और मोबाइल वो लेकर भाग गए। जा रहे थे, पूरी बात बताइए, किस काम के लिए जा रहे थे, क्या हुआ आपके साथ? हम शिवहर डिस्ट्रिक्ट से पटना जा रहे थे, मुजफ्फरपुर से ट्रेन लिए थे। ट्रेन हाजीपुर पहुंची और हम बैठे हुए थे खिड़की के पास, मेरा मोबाइल छीना और मोबाइल के लिए मतलब अपने तरफ खींच रहे थे तो वो मेरे को ही खींच लिया खिड़की से बाहर। अब मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरा सारा सामान ट्रेन में ही रह गया। तो चलती ट्रेन से ही आपको खींच लिया? हाँ, ट्रेन स्लो थी तो मतलब अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन गला में चैन था, सब कुछ खींच लिया। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी। कहाँ की रहने वाली है, पूरा पता बताइए अपना। शिवहर डिस्ट्रिक्ट वार्ड नंबर 15 नागर पंचायत। पिताजी का क्या नाम है? कृष्ण बिहारी चौधरी।